नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गर्मी के मौसम में जहां 100 फुट गहरे कुएं सूखे पड़े हुए हैं, हैरत की बात यह है कि इलाके के सभी जल के स्रोत सूख चुके हैं। ऐसे में महज 5 फुट खोदने पर अगर जल की धार फूट जाए तो इसे आप चमत्कार नहीं तो क्या कहेंगे। जी हां, ऐसे में इसे कुछ लोग मां नर्मदा का आशीर्वाद मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे शोध का विषय बता रहे हैं। नरसिंहपुर के साली चौका में आमड़ा गांव में चमत्कार की चर्चा है। कारण ये चमत्कारी कुंड भीषण गर्मी में यहाँ पारा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जलस्तर नीचे की ओर खिसकता जा रहा है। आलम यह है कि इसके लिए कुएं, तलैया, नदी सब सूख चुके हैं, लेकिन इसे चमत्कार कहिए या कुदरत का करिश्मा, पानी के रूप में अमृत की बूंद इसी कुंड में दिखाई पड़ रही है। जब यहाँ के किसान ने पानी की समस्या से निजात पाने के लिए बोरवेल निर्माण के लिए एक गड्ढा खोदा तो महज 5 फुट में ही जल की धार फूट पड़ी। फिर क्या था, जैसे ही ये खबर इलाके के लोगों के कानों पर पहुंची, चमत्कार की चर्चा चारों ओर होने लगी। ये सांप लोगों के रहते हैं, उसमें से धारा निकली तो थोड़े वो मशीन वाला घबरा गया कि भैया हमें ये क्या होगा, ऐसा कैसा चमत्कार हुआ। तो जो उन्होंने खुदवाया था, जो कैलाश वर्मा है, उन्होंने खुदवाया कि भैया ये क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ, दादा के पैर पड़ो और मशीन चालू करो। तो थोड़ा और गड्ढा करा तो उसमें से बहुत जल निकला, कि अधिक से अधिक जल निकला, क्योंकि ये अभी 100 से 200 फुट नलकूप खुदवा रहे हैं लोग बाग, तो उसमें से जल नहीं निकल रहा है। तो 4 फुट के गड्ढे में इतना जल निकला है कि लोग देखते ही आंखें उनकी फटी की फटी रह गई। क्या देख रहे हैं, कोई कहने सुनने की बात नहीं है, जो कुछ भी आपकी आंखों के सामने है। ये आपके पीछे सिद्ध दादा जी की यहाँ पर दरबार है, सिद्ध दादा का ऐसा मानना है और यहाँ बुजुर्गों से यहाँ पूजा करते आए, और एक यहाँ साधारण सा एक गड्ढा थोड़ा सा खोदा जाना था, कृषि कार्य हेतु कुछ काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर 6 फीट लगभग खोदने के 4 फीट के खोदने के बाद से ही मिट्टी जो है वो वहाँ से जल महाराज प्रकट होना शुरू हुए। और जब 1-2 फुट और यहाँ पर खोदा गया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्तमान में लगभग ये 4 फीट यहाँ पर पानी बढ़ के आ चुका है। लेकिन आज के समय में जहाँ हम देख रहे हैं कि भौतिकतावादी युग में हम जी रहे हैं, हम सारी चीज़ों में वैज्ञानिक ताको पर प्रणाम करते हैं, धर्म कर्म पर हमने विश्वास करना छोड़ दिया है, हम नहीं मानते हैं कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन ये समय समय पर प्रकृति हमें एहसास दिलाती है कि उस हम जैसे पृथ्वीवासी या मनुष्यों की सत्ता के ऊपर भी कोई एक परम सत्ता है जो इस पूरे संसार को चला रही है। कोई गड्ढा खोदने पर पानी निकला है, कुछ लोग बता रहे 3-4 फुट पानी निकला है, और पानी का स्तर यथावत है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। इसकी जांच कराई जाएगी कि वास्तविकता क्या है। सर, जहां वाटर लेवल नीचे हो रहा, गर्मी का समय है, 44-45 पे टेम्परेचर चल रहा है, 4-5 फीट पे पानी निकलना, ये कितनी अच्छी बात है, इसके लिए क्या संरक्षण होना चाहिए? इसके संरक्षण के लिए भू जल विषय जाँच करा कर इसकी व्यवस्था की जाएगी। नरसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।